नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं श्री न्यूज़ के साथ। मैं हूँ रूहानी। सत्ता का महायुद्ध, उसकी शुरुआत हो चुकी है। हालांकि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन काबिज होगा, ये तो जनता निर्णय करेगी। 23 मई का इंतजार सबको रहेगा, चाहे उम्मीदवारों की बात की जाए या फिर मतदाताओं की बात की जाए। एक बड़ा सवाल है कि क्या दोबारा एक चेहरा प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज होगा या बदलाव इस बार जनता चाहते हुए महागठबंधन के एक नेता को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज करेगी। लेकिन जम्मू कश्मीर की राजनीति इस कदर है कि यहाँ पर अगर सियासी हलचल होती है तो तमाम जो नेता हैं हिंदुस्तान के, वो कहीं ना कहीं अपना एक रिएक्शन देते हैं। अब एक बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिली, अगर हम कहें कुछ दिन पहले एक फ्रीडम डे मनाया गया था, जहाँ पर कहा गया था कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया का एक फ्रीडम डे है। उसके तहत जो था, काफ़ी पत्रकारों ने अपने मत रखे कि मीडिया क्या कर सकती है, मीडिया एक आईना है। लेकिन हाँ, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये देखने को मिला, क्या ये जो नेता है वो प्रभावित करते हैं जर्नलिस्ट को, क्या ये जो नेता है वो मीडिया को बरगलाने की कोशिश करते हैं। आप सोचेंगे मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ। ऐसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप जानते हैं लद्दाख में इलेक्शन होने वाले हैं और तमाम सियासी दलों ने अपनी जो ताकत है वो झोंक दी है और वहाँ पर जो है जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है, वादे करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक लेटर हमारे पास आया है प्रेस क्लब ले का, और इसमें क्या लिखा गया है मैं आपको साफ तौर पर बताती हूँ। इस पर कहा गया है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना और MLC विक्रम रंधावा की तरफ से की गई है। 2 मई 2019 की तारीख को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और वहाँ के जर्नलिस्ट जो है मीडिया पर्सन है, वो आरोप ये लगाते हैं कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होती है, एक इन्वेलप में जो कुछ पैसे है रिश्वत के तौर पर इन नेताओं के द्वारा दिए जाते हैं। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो किस मसले पर की गई वो तो आप जानते हैं, लेकिन हाँ ये एक बहुत बड़ा आरोप है। मैं आपको वो लेटर दिखाना चाहती हूँ, उस लेटर में क्या लिखा गया है। तो ये लेटर जो है आप साफ तौर पर देख सकते हैं और इसमें क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि 2 मई 2019 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की गई है और भारतीय जनता पार्टी के जो इसमें लीडर्स हैं वो इसमें शामिल हुए हैं, जिसमें MLC विक्रम रंधावा का नाम भी है और स्टेट प्रेजेंट रविंदर रैना का भी नाम है। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर बात की गई है कि हम जो है मीडिया पर्सन जो है एक कंप्लेंट जो है वो दर्ज करना चाहते हैं किसके ख़िलाफ़। अब कंप्लेंट जो है वो दर्ज करना चाहते हैं विक्रम रंधावा के ख़िलाफ़ और रविंदर रैना के ख़िलाफ़। उन्होंने ये कहा कि 2 मई 2019 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है 2 बजे, उसके बाद ये होता है कि जो स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना है, MLC विक्रम रंधावा है, उन्होंने कोशिश की है। यहाँ पर लिखा गया है स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना एंड MLC विक्रम रंधावा ट्राइड टू ब्राइब दी मीडिया पर्सन बाय ऑफरिंग अस मनी इन इनवेलप एज एन अटेम्प्ट टू यूज़ आर प्लेटफॉर्म टू इन्फ्लुएंस दी आउटकम ऑफ द इलेक्शन। यानी कि मीडिया पर्सन्स को एक इन्वेलप में पैसे दिए गए हैं, उसके बाद जो है यहाँ पर प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है और हमारा जो है साफ तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने जो ये पैसे जो है वो एक्सेप्ट नहीं किए हैं। यहाँ पर लिखा गया वी डिडंट एक्सेप्ट दी ऑफर एंड रिजेक्टेड इट आउटराइटली। हमने पूरे तौर से इसको नकार दिया और हमने जो है ये दिखाया कि हम जो है कितने रोषित है, वी शोड आर एंग्विश एट देयर अटेम्प्ट, साफ तौर पर यहाँ कहा। और ये भी कहा कि प्रेस Fraternity of Ladakh strongly condemns this and we would like you to kindly strongly जो है वो condemn कर रही है इस तरह की चीज़ों को और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है यहाँ पर जो है एक FIR जो है यहाँ पर इन नेताओं के द्वारा लगाए जाए, जिनका नाम है रविंदर रैना और विक्रम रंधावा, क्योंकि इन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो तोड़ा है जो हाल ही में लगा हुआ, क्योंकि इलेक्शन जो है वो चल रही है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो तोड़ा है। और हम चाहते हैं कि जो इन्होंने हमें एक अटेम्प्ट किया है ब्राइब देने का, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके बनाया है। हालाँकि ये जो बयान है, कुछ सवालात मीडिया कर्मियों ने जम्मू में भी पूछे, क्योंकि आप जानते हैं चुनावी सरगर्मियां जो है वो सर चढ़कर बोल रही हैं और कहीं ना कहीं अब जोर जो है इलेक्शन ने पकड़ा और इलेक्शन कंपेन जो है वो चल रही है। लेकिन आज साथ ही साथ तमाम दिग्गज नेता ले लद्दाख का उनका रुख किया और साफ तौर पर वहाँ पर जो था जनाधार जो है बढ़ाने की कोशिश की गई और वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की गई। तो वोटर्स को आकर्षित करने के लिए रैलियाँ हुई वहाँ पर, तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स थे वो वहाँ पर ले में मौजूद थे। लेकिन हाँ, जम्मू में आए थे तो इस सवाल का जवाब हमने भी जानने की कोशिश की। आइए आपको दिख। मैं एक ही शब्द में कहूंगा, मैं प्रेस क्लब ले वालों को चैलेंज करता हूँ, आई डेयर देम कम विद एविडेंसेस, और जहाँ वो सारा जिसका उन्होंने घटनाक्रम किया वहाँ सारी CCTV फुटेजेस है, सारा घटनाक्रम है। दो वरिष्ठ पत्रकार मीडिया के
जो दूरदर्शन लेके जो रेडियो का भी काम देखते हैं और दैनिक जागरण जो न्यूज़पेपर है इसके वरिष्ठ पत्रकार जो उस कवरेज के लिए गए थे उन्होंने भी इस बात को कंडेम्ड किया है और ये कहा है कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। जो मेरे को जानकारी दी गई है ये पत्र लिखने वाला जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट नहीं हो सकता वो उन्होंने लिखा है वो कहीं कांग्रेस के चुनाव पर पहले चुनाव भी लड़ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से हारे हुए हैं। इस प्रकार का उन्होंने पॉलिटिकल षड्यंत्र किया है। हमने भी उनको नोटिस दिया है, शायद आपने पता नहीं वो देखा कि नहीं नोटिस, कि अगर वो 24 घंटे के अंदर इसको रिटर्न अपोलोजाइज करते हैं तो ठीक, अदरवाइज उनके खिलाफ ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर डेफेमेशन केस डालेंगे और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट अमेंडमेंट 2008 के तहत भी जिन्होंने भी इस बेसलेस प्रोपेगेंडा किया है, जिन्होंने भी फॉल्स और डॉक्टेड ये सारा क्रम पेश किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। चुनावी मौसम है और सब पर सर चढ़कर ये बोल रहा है, तमाम लीडर्स यहाँ पर मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर की बात की जाए या हिंदुस्तान की बात की जाए, एक तरफ से अमेठी का चुनाव जो है वो काफ़ी पेचीदा लग रहा है कि कौन जीतेगा, और दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो लद्दाख की सीट एक अहम सीट है, भारतीय जनता पार्टी इसको खोना नहीं चाहती। और दूसरी तरफ से अगर फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मीडिया पर्सन जर्नलिस्ट इस तरह के आरोप लगाते हैं तो उस पर क्या जवाब था, ये हमने आपको दिखाया कि रविंदर रैना का इस पर क्या जवाब था और क्या सफाई जो है उन्होंने पेश की है। जम्मू से रूहानी की रिपोर्ट।